मेरे लिए वो बंदा सही है कि नहीं, मैरिज के लिए मैं रेडी हूँ, क्या पूछने चाहिए सवाल बंदे से, हाउ टू मैनेज अ पार्टनर इन अरेंज मैरिज और व्हाट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. फ्यू मोमेंट्स लेटर कॉल मी टॉक्सिक मैस्कुलिन. बैकलैश होगा, मैं पहले ही बता रही हूं. होता रहे, ये देखो, ये शुडंट बी, होता रहे भाई. बैकलैश, मैं आई एम अ रियल पर्सन, ठीक है, एंड आई एम स्पीकिंग टू रियलिटी कि समबडी हैज टू से इट. भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज अ बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग. हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने दोबारा वही जैकेट पहन ली है. पता नहीं क्या मिर्चे लगती रहती है एक दो लोगों को. लाइफ इज ऑल अबाउट सिंपलिसिटी. पैसा है भाई के पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुदाके 100 जैकेटें खरीद लूं. असल में है दूसरी जैकेटें, लेकिन यार बस इस वाली से ना खानदानी अब प्यार ही बड़ा. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम जा रहे हैं युकाकू पे, कोरियन, क्या सॉरी, जापानीज बारबेक्यू है. बेसिकली हम जा रहे हैं इन सेलिब्रेशन ऑफ मी, नहीं, तो बहुत से लोग नहीं पास कर पाते और इसने पास कर लिया. तो मैंने कहा मी बीइंग द मिसोजिनिस्ट हस्बैंड आई एम, मैं फिजा को ले जाऊं, मतलब साथ में. दूसरा, इंस्टाग्राम पे भाई के माशाल्लाह 20K हो गए फॉलोअर्स, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार. और 50K हाँ, एंड ऑलमोस्ट 50K ऑन यूट्यूब, इंशाल्लाह हो जाएंगे सून. दोनों पे हमने 100K पे लेके जाना है, 100K गैंग इंशाल्लाह. मैंने कहा सेलिब्रेशन थोड़ी सी पहले ही कर लें. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू कोर्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बॉयज एंड गर्ल्स. अभी बॉयज एंड गर्ल्स रोजा खुलने वाला है. मुझे लगा फिजा पूरी कोई भाई दही बल्ले साथ लाएगी, साथ समोसों की कटोरी लाएगी. क्या लेके आई है फिजा अपने साथ, दिखाओ. एक खजूर और पानी की बॉटल. हाँ, खाना खाने जा रहे हैं. फिर भी 15 मिनट में क्या क्या हो जाता है, बंदे खोल लेते हैं. हम डैलस की, हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, वहाँ पे सूरज जल्दी गरूब हो रहा है. वो देखो पीछे नजर आ रहा है सूरज. हम वहाँ से आ रहे हैं, सूरज वाली साइड से. नोटिफिकेशन के क्या है, 46 हो गया है. अब पैन नोटिफिकेशन डाल दो मेरे मुंह में यार, हो गया रोजा. मैं अपने गुनाह खुद ही हैंडल कर लूंगा भाई. 746 आज लिखा होता ना कैलेंडर पे, खुद पहले खा रही मुझे तो थे. एक खजूर भी आधी आधी खा रहा हूँ. बैग से दही बल्ले नहीं खा रहे. हरमाइनी ग्रेंजर नहीं, हैरी पॉटर में छोटा सा बैग होता है, उसके अंदर अलमारी निकाल लेती है. बोलेगा उस टाइम समोसा निकालेगी, चिकन पकोड़ा निकालेगी, मैं मजे से पकवान यहाँ पे बिछा के खाता हुआ जाऊंगा. दो खजूरें भी नहीं ला सकी. वन ऑफ द मेनी ज़ुल्म्स आज मेरे पे आप देख रहे हैं. विल सी यू एट युकाकू. 15 मिनट्स लेटर सीन ये कि हम युकाकू पे आ गए हैं और जल्दी बंद हो रहा है, तो हम इससे पहले अपना स्पॉट जल्दी से ले लें. मेरा बॉयज एंड गर्ल्स युकाकू हमारे सामने, हमें टेबल मिल गई है फाइनली. और टेबल देखो कितनी खाली है अभी, वो चीजें लाके रख रही है इससे हिस्सा. और यहाँ की अच्छी बात है, सीधा देखो आग वाली ग्रिल है ना, तो सीधा आग पे पकेगा. हाँ, जल्ला जल्ला चलाई तो है रही आग उन्होंने. गार्लिक कर लेते हैं, ठीक है. क्यूकम्बर, स्पाइसी क्यूकम्बर, केमची मंगवानी है. तीसरा हैंगर स्टेक, फिर हम मंगवाएंगे टोरो बीफ, तरियाकी और चिकन थाए. आए हाय हाय, काश फ्री की होती. आपस में टाइम मिलता रहता, ऐसी बात नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स. क्या मतलब नहीं देता मैं तुम्हें टाइम. एक्सप्लेन अवर डे, परफेक्ट डे. उसके बाद क्योंकि मैं सारी रात जागता हूँ, मैं या तो एडिट कर रहा होता या तो दूसरा कोई काम कर रहा होता हूँ. अक्सर मैं कंपनी का भी अपना काम रात को कर रहा होता हूँ, स्पेशली रमजान की वजह से ना. आप देखते हो जो मेरी रील्स भी आती है वो अमेरिका के रात के हिसाब से आती है. जो मेरी यूट्यूब भी लग रही है वो रात को लग रही है. मैं रात को जागा होता हूँ. बैटमैन है भाई आपका. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वॉच्ड अ मूवी टुगेदर? अभी हम लास्ट टाइम बात करते हैं. आई वाज लाइक मैंने फाइंडिंग डोरी, कहते फाइंडिंग डोरी देखो मेरे साथ. दुनिया के मेरे और कोई काम नहीं, मैं डोरी को फाइंड करूँ उसके. What happened to the glasses? I'm really, really busy, so we have foam for now. So oh, yeah, that's good. फिजा कह रही थी आप बहुत यू नो क्रेजी हो गए हो उसके पीछे वगैरह. लेकिन मैंने कहा था देखो यार, जब तक क्रेजी नहीं होते ना बॉयज एंड गर्ल्स आप किसी चीज के पीछे, तब तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते. यू हैव टू बी डिल्यूजनल टू गेट समथिंग इन लाइफ. जब मैं थोड़ा सा ज्यादा होने लग जाता हूँ ना खराब, तो फिजा ना मुझे सीधा कर लेती है. देखो इसलिए शादी इंपॉर्टेंट है. मैं अर्ली मैरिजेस वगैरह की बात करता हूँ. यू नो अ वुमन शी रियली कनेक्ट्स अ गाय हिज माइंड टू हिज सोल. फिर भी मुझे लोग कह रहे हैं आजकल टॉक्सिक मैस्कुलिन. तो मैं एक बात बताऊँ सर, जब आपको कोई टॉक्सिक मैस्कुलिन कहना, इसका मतलब आप सच में मैस्कुलिन हो. True that. So, अभी हमारे पास आ गया है हमारा गार्लिक कैबेज, ठीक है. उसके बाद हमारे आगे स्पाइसी, क्योंकि प्रसाद दिया उन्होंने, कहते हैं थोड़ा ज्यादा तो दो भाई ये प्रसाद. नहीं नहीं नहीं
बोलते थे आपको ना अच्छी सर्विस लेने के लिए दुनिया में कभी ना होना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है. हक के लिए लड़ना इज नेवर अ गुड फीलिंग बट इट रिवॉर्ड्स यू बिग टाइम. तो जल्दी से पिक्चर ले लो तुम अपनी. पहले हम शुरू ही कर रहे हैं स्पाइसी क्यूकम्बर से. अभी तक मैंने खजूर खाई हुई रोजे में, वेरी टेस्टी, चेक करो. मजेदार से दिल बहार किमची होती है, ये भी स्पाइसी कैबेज ही होता है. किमची इज कोरियन अचार, मैं प्रोबायोटिक्स होता हूँ आपके गट के लिए बहुत शुरू है. गार्लिक कैबेज में वो जो मजे का गार्लिक टेस्ट आ रहा है ना, गार्लिक माई फेवरेट इन्ग्रीडियंट, आई लव इट. टेस्ट टेस्ट हमारा क्या, टोरो बीफ. टोरो बीफ होता है बेसिकली बीफ बेली. देखो चेक करो, मजा आ गया. बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे शादी के हवाले से. सी लड़कियों ने पूछा था, एक लड़के ने पूछा था कि शादी कब करनी है, किससे करनी चाहिए, वो पूरा एक सवाल है. तो उसको मैं और फिजाज कवर करते हैं, ठीक है? तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द ब्लॉग. चाय चाय पकड़ के ना फिर कवर करते हैं, ठीक है? चिकन टेस्ट टेस्ट जब जैसे देखते हैं. टेन आउट ऑफ टेन तो इजीली, लेकिन मेरा दिल पता क्या कह रहा है. ये चेक करो, ओए होए 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 होए, बहुत मजा आ रहा है. बुखार हो रहा है मुझे, ज्यादा हो गया. Later. सीन ये कि अभी हम चाय वाला पे आए हैं, ठीक है? तो चाय वाला से चाय पीते हैं थोड़ी सी, फिर घर जाके ना आराम से बैठ के ना उस सवालों का जवाब देंगे. काफी इंटरेस्टिंग दो तीन सवाल हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में, एंड यू कैन हियर आवर पर्सपेक्टिव. बट एनीवेज पहले इधर चाय शाय पी लें फिर निकलते हैं. ये देखो, ये आ गए हम चाय वाले पे. इनका सा एम्बियंस और अंदर सबसे अच्छा बनाया हुआ, लेकिन रिव्यू सबसे कम है. पेशावरी कहवा भी है, लेकिन अगर हॉट देसी कॉफी. बॉयज एंड गर्ल्स और नेस्कैफे वाली खुशबू आई है, देखो सूंघो, है ना? और कप देखो कितना प्यारा है. बॉयज एंड गर्ल्स चेक करो जरा, तुम्हारा भी अच्छा है. चीयर्स टू माय टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. 9 out of 10, वेरी वेरी गुड कॉफी. ये तो फीके मैं चौकस हो जाऊंगा अभी घर जाके, फिर जो मैं शादी के सवाल में रहूंगा तुम लोगों की सुन के शादियां हो जाएंगी. बॉयज एंड गर्ल्स पर आपको घर जाके मिलते हैं, एंड लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस. तो कुछ सवाल थे दो तीन जो मैं चाह रहा था कि आंसर कर दूं बिफोर वी एंड द ब्लॉग. थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन होपफुली हम जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं करें, ठीक है? क्योंकि मुझे आजकल बहुत से लोग अप्रोच करें इंस्टाग्राम पे, फिजा को भी करने लग गए हैं, मतलब लड़कियां करती हैं फिजा को अप्रोच और कहती हैं कि हमें यू नो टिप्स चाहिए लाइक शादी रिलेटेड. And if we should marry, camera teda to nahi lag raha. I'm 22 years old. My parents have set me up for arranged marriage. It's not that I'm not ready. The only thing I cannot understand is how can I see if the person is correct or not. So basically, kehna chah rahi hai ki mere abbu, mere parents ne mujhe marriage ke liye set kar diya. Main 22 saal ki hu, lekin mujhe pata nahi hai ki mere liye wo banda sahi hai ki nahi. Marriage ke liye main ready hu. Kya puchne chahiye sawal bande se? How to manage a partner in arranged marriage? Or what question should be asked? To pehle main Fiza se puchunga, fir main aapko bataunga ki ladke ke liye kya dekhna chahiye. Sabse pehle to aapko देखना चाहिए कि वो आपकी टेक केयर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? लड़कियां कहती हैं हम इंडिपेंडेंट होकर पे करना शुरू कर देते हैं ये सब चीजें, लेकिन अगर वो आपके लिए पे कर रहे हैं, आपके लिए आगे हो रहे हैं, तो इट मींस दैट ही कैन टेक केयर ऑफ यू. ग्रीन फ्लैग होता है, ठीक है? फर्स्ट थिंग होगी इंपॉर्टेंट. हाँ, सेकेंड थिंग होगी कि आप देखो वो बाकी चीजों के बारे में कितना पैशनेट है, कितनी ड्राइव है उसमें. ये नहीं कि वो अभी कहाँ पर है या अभी कितना कमा रहा है, या वो प्लान्स, उन प्लान्स जो कर रहा होता है उसमें ना ऑलरेडी इन होता है. जैसे अगर पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है, या कोई साइड पे जॉब कर रहा है, छोटी मोटी ड्राइव होती है टू डू समथिंग, तो आपको पता चल जाता है कि वो पैशनेट है या नहीं. क्योंकि कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो कि पूरी जिंदगी एक जॉब में लगे होते हैं, ठीक है? और उनकी बीवियां मतलब 20-20 साल शादी हो जाती है और वो एक ही कंपनी एक ही जॉब में उधर ही रहते हैं. होता ही है कि औरत बोर हो जाती है और मर्द भी इन अ वे अपनी औरत से बोर हो जाता है, क्योंकि होता क्या है रूटीन बन जाती है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैरिजेस फेल इज बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एक डायनेमिक बन जाता है. मर्द हर वक्त इर्द-गिर्द होता है आपके, उसकी लाइफ में कुछ नया नहीं चल रहा. सुबह जॉब पे जाना है, रात को उसने आना है, खाना खाना है, रोटी खानी है, थोड़ा टीवी देखना है, जो न्यूज मीडिया नेगेटिव वो सो जाना है. यही इनकी जिंदगी होती है. आई थिंक स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपको एक दूसरे की स्ट्रगल में साथ देना है ना. अगर दूसरा बंदा कह रहा है कि ठीक है दिस वॉज
वन थिंग आई वॉज डूइंग बट दिस इज वट आई वॉन्ट डू, उसके स्ट्रगल फेस में आप फिर उसका साथ दोगे क्योंकि आपको उस पर यकीन होगा कि हाँ उसमें करने की कुछ कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं उसमें कि वो कर सकता है. ऐसा ही है. तो आपने अगर वो स्ट्रगलिंग फेज में भी है ना और आपकी से शादी होने वाली बंदे से, तो आपने देखना कि यार कि हर चीज में स्ट्रगल में मदद करनी है. जैसे मेरी वाइफ मेरी हर स्ट्रगल में मुझे हेल्प करती है और ऑब्वियसली कहीं कहीं हमारी डिसएग्रीमेंट हो भी जाती है बट दैट्स जस्ट नॉर्मल. यू नो यू नॉट मैरिंग टू अ वॉल, यू वॉन्ट समवन हु कैन गिव यू अनदर ओपिनियन. तो कभी कभी होता है मुझे कहती है कि यार अच्छा ये चीज नहीं सही लग रही ना करो, तो मैं देखता हूँ कहता हूँ हाँ वाकई. वन मोर थिंग आई वुड से, मैन ऑफ गॉड भी है, इट डजंट हैव टू बी अ मुल्ला मौलवी पूरी दाढ़ी वाला जो पांच वक्त की नमाजें सारी पढ़ रहा है. अच्छी बात है पढ़ रहा है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो रिलीजियस बंदा है, अल्लाह पे तवक्कल रखने वाला, काम करता है अपने जॉब पे रेगुलरली, कोई भी चीज कोई भी तजारत कुछ भी कर रहा है, ड्राइव है अंदर, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी लुक्स की भी बात आ जाती है, लेकिन आई थिंक लुक्स स्टेम्स मोर फ्रॉम अ वुमन साइड जिसकी मैं बात करता हूँ. एट दी एंड आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उस बंदे के साथ रहना शुरू ना कर दो. वो आपको नहीं पता चलेगा. सो सिर्फ आप ठीक है क्वेश्चन जितने मर्जी पूछ लोगे, इन दी एंड नोबडी इज द सेम once you start living. Exactly. और मैं आपको एक बात बताऊं, अरेंज मैरिज से लोग डरते ज्यादा हैं लेकिन अरेंज मैरिजेस कामयाब भी ज्यादा हुई हैं. लव मैरिजेस में भी क्या पता आपको पहले सब कुछ अच्छा लग रहा, ज्यादा फेल होती हैं एक्चुअली. सब कुछ अच्छा लग रहा क्योंकि आप सिर्फ एक दो घंटे के लिए मिल रहे हो वीक में एक मरतबा, जब आप एक्चुअली में उसके साथ बंदे के साथ रहना शुरू कर देते हो इट्स डिफरेंट. ऐसा ही है क्योंकि मैंने जब फिजा के साथ हमारी आपने अगर स्टोरी नहीं देखी तो जाके देखें, उसमें हाँ हम पहले मिले थे बीच में ब्रेक आए, लेकिन जब हम दूसरी दफा मिले ना आपस में तो वी क्विकली डिसाइडेड दैट वी वांट टू मैरी. 3 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई. इसमें कोई नहीं था रुखसती है पहले, फिर निकाह है, फिर निकाह पे रुखसती है सारी. मुझे नहीं पसंद, मुझे समझ नहीं आती, पहले मेहंदी हो रही है, अगले साल मंगनी हो रही है, अगले साल जाए. व्हाट द हेल इज दैट मैन? हाउ डू यू थिंक दिस मैरिज इज गोना बी सक्सेसफुल जब आपस में आपने इतना लंबा डिस्टेंस रख दिया है? फिर उसमें क्या होगा, वो कोई ना कोई इनके अंदर के बीच में हराम काम भी हो जाएगा. ठीक है, रिगार्डलेस दे विल एक्चुअली एक्सपीरियंस एवरीथिंग. फोन पे सारी बातें उनकी हो जाएंगी, लाइफ की सब चीजें तो बात ही खत्म हो जाएंगी, पर जब शादी में साथ आपकी होगी देन व्हाट इज लेफ्ट. आई वुड से अरेंज मैरिजेस आर नॉट एज बैड एज यू थिंक दे आर. अगर तुम्हें थोड़ा सा बंदा गुड लुकिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो हमने पीछे बातें की उसमें है, देन आई थिंक जस्ट गो फॉर इट. ठीक है, बाकी अल्लाह से दुआ मांगो. लेट मी ऐड वन मोर थिंग कि ठीक है, अगर अरेंज मैरिज आप कर रहे हो, एक मरतबा जरूर बंदे से मिलो. और छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप नोट करो कि वो वेटर्स के साथ कैसे बिहेव, वेटर्स के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा, पैसे दे रहा है कि नहीं कर रहा, उनके साथ उनको टिप दे रहा है या नहीं, उनसे बदतमीजी से बात कर रहा है. कुछ लोग होते हैं वो वेटर से ही अगर आप देख लेते हो ना कि बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उनको पता होता है. हाँ, पहले रेड फ्लैग होता है कि वो यूजली ऐसे ही एक्ट करते हैं, या फिर देखो उसका टेंपर कितनी जल्दी लूज होता है. कोई उसे इस तरह की बात करना जो कि ना थोड़ी ही कैन बी फेमिनिस्ट क्वेश्चंस ही पूछना. भाई ये फेमिनिस्ट के लिए नहीं, मैं एडवाइस देता हूं, मैं फेमिनिस्ट के अगेंस्ट जाता हूं मैं. आई एम सॉरी बट या दिस इज हाउ इट इज. टॉक्सिक मैस्कुलिन मिसोजिनिस्ट जो बुलाना बुलाओ, मुझे इस टाइम पे फर्क नहीं पड़ता. मैं फेमिनिस्ट एजेंडे के बहुत खिलाफ हूँ. आई लाइक द आइडिया ऑफ फेमिनिस्ट व्हेन इट फर्स्ट केम इन. आई एम अ फेमिनिस्ट एज लॉन्ग एज इट कम्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट इक्वल आउटकम. ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको सेम मिली है. भाई वसीम और शुमाइला जो है ना, दोनों ए और बी स्टार्ट पे एक ही राउट पे शुरू हैं, एक ही स्कूल में गए हैं, एक ही एजुकेशन मिल रही है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरत को ज्यादा फेमर मिल, इक्वल अपॉर्चुनिटी होता था लेकिन अब नहीं रहा. मतलब हाँ, ये तुम पूछ सकते हो कि तुम पढ़ाई कर रही हो तो मुझे क्या पढ़ने दोगे वगैरह, वो ठीक है. इफ यू वॉन्ट, देखो करियर जो होता है ना, करियर तुमने पहले नहीं बनाना, करियर तुम साथ भी बना सकते हो. आई डोंट, डिस्कशन हुई थी कि आई एम गोना कंटिन्यू माय पीएचडी एंड ही वाज लाइक या यू कैन, और अभी भी मैं पढ़ रही हूं. तो हां, ये सारी चीजें आप पहले कंफर्म करके पूछो. एग्जैक्टली, हां कंफर्म कर लो. ठीक है, जो तुम्हें क्वेश्चंस लग रहे हैं, बट डोंट बी लाइक मैं तो नहीं बर्तन धोऊंगी, मैं तो नहीं घर के खाने बनाऊंगी. दिस इज बुलशिट यार. लाइक ही इज, इफ यू एक्सपेक्ट हिम टू पे ऑन ऑल द डेट्स, इफ यू एक्सपेक्ट हिम टू टेक केयर ऑफ द हाउस, इफ यू एक्सपेक्ट हिम टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फाइनेंशियली, प्रोटेक्ट यू फिजिकली, देन हाउ कैन यू नॉट लाइक डू. मतलब घर पे सफाई करना, घर की टेक केयर करना, बच्चे पैदा होते हैं बच्चों को लुक आफ्टर करना, मतलब नर्चरिंग में, इट्स लाइक यू नो, डोंट बी लाइक दैट पर्सन. पाकिस्तान में तो वैसे ही इतना आसान होता है सारा कुछ. ना, पाकिस्तान में तो मैं ऊपर से मसला के काम वालियां होती है. मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी बुलशिट पाकिस्तान में जो थी ना, मैं कैंसिल हो जाऊं मुझे नहीं फर्क पड़ता औरत मार्च थी. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट बुल क्रैप एवर आई सीन इन द हिस्ट्री. बिकॉज जो औरतें औरत मार्च पे निकली हुई थी, वो औरतें वो हैं जो घर पे बैठ के जिनकी काम वाली हैं. हम टीवी वाले जो ड्रामे देखने वाली औरतें होती हैं घर पे जो किटी पार्टीज कर रही होती हैं, ये औरत मार्च पे निकली हुई है. ठीक है, अगर ठीक है, अगर किसी ने निकलना भी है, दैट शुड बी दोज वंस जो नीचे तबके वाले, नीचे तबके वाले मार रहे हैं. ठीक है, जिनकी वो बेचारी काम वाली हैं, 10 घर में काम कर रही हैं, दैट्स डिफरेंट. उनको तो मैंने तो नहीं देखा था वो औरत मार्च में फेर रही हूँ. अब आ जाएंगे, नहीं नहीं वो भी थी ये वो फलाना, जस्ट यू नो, क्या कंप्लीट बोल क्रैप. आई डोंट नो,
मुझे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा लगा, इसको अब हटाते हैं साइड पे। दूसरा मैं कहूंगा, लास्ट हम टॉपिक को ये करते हैं, अगर लड़का और लड़की के लिए क्या देखना चाहिए उसको, कि कैसी लड़की कैसी वाइफ मुझे मिले। मुझे जो फिजा में जो मैंने क्वालिटीज देखी वो क्या थी, सबसे अच्छी बात थी फिजा की कि फिजा ने लाइफ में कुछ पुट आउट। देखो मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं, वुमेन एजुकेशन के, शी इज एक्चुअली वेरी एजुकेटेड, उसने काफी ज्यादा पढ़ा है, हर चीज में टॉप ग्रेड्स लिए, अच्छे ग्रेड्स लिए। द रीजन यू शुड लुक फॉर अ वुमन हु इज एजुकेटेड इज द टाइम दैट शी कुड बी स्पेंडिंग पार्टीइंग और लाइक गोइंग आउट एंड हैंगिंग आउट एंड डूइंग ऑल द बैड शिट, शी फोकस्ड हर टाइम ऑन एजुकेटिंग हरसेल्फ। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशन लेके आगे जॉब भी करे, करनी है तो करेगी, वो मसला नहीं है, बट आई वुडंट फोर्स हर, मैं ऑब्लिगेशन नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं एज अ मैन आई फील लाइक मुझे ऐसा होता है कि मैं पूरा घर को संभालना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियल टेक केयर करना चाहता हूँ, मैं इस तरह का बंदा हूँ, ताकि मेरी औरत को आगे जाके काम ना करना पड़े। शी डजंट हैव टू वरी अबाउट ब्रिंगिंग इन द मनी, शी हैज टू वरी अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द हाउस एंड देन अगेन शी कुक्स वेरी वेल, मतलब सारी घर की सफाई सब कुछ चीजों को टॉप नॉच रखती है, ये मैंने नोटिस किया उसमें। उसी बाद मैंने नोटिस किया डजंट हैव एनी पास्ट रिलेशनशिप्स। मैं तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, तुम लोगों ने इस एडवाइस को लेना है ले लो, नहीं लेना कोई मसला नहीं है, अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ भाई, मुझे आगे मेरे पे बंदूकें ना तान लेना भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना प्योर, देखो औरत में ना हमेशा से वुमेन इज द प्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, इन द बोथ रिलेशनशिप, औरतों को हमेशा बचाया गया, औरतों के लिए जंग लड़ने चले जाते थे, औरतों के पीछे पूरी पूरी जंगे हो जाती थी। ठीक है, हम जो मर्द होते हैं ना विद डिस्पोजेबल सेक्स, बिकॉज वॉर में क्या होता था कि हम सारे जाके मर जाते थे, टाइटैनिक में क्या होता था कि जब शिप डूब रही थी सबसे पहले किनको बचाया था, औरतों को और बच्चों को, क्योंकि औरतें आगे बच्चे औलाद ला सकती है, मर्द जो होते थे उनको कहते थे तुम जाके मरो। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, औरतों की प्योरिटी को हमेशा प्रिजर्व किया गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्योरर शी इज द बेटर शी इज फॉर अ मैरिज मटेरियल। ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, कॉल मी टॉक्सिक मैस्कुलिन, जिनके रिलेशनशिप टूटे, जिनकी शादियां टूटी है, आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ इट इज। यस, लुक फॉर अ वुमन हु इज एजुकेटेड बट ऑल्सो लुक फॉर अ वुमन हु इज प्योर, ठीक है, इट गोज अ लॉन्ग वे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इफ यू आर अ मैन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ वुमन टू मैरी, अगर आप लड़के हो जिसको पास्ट रिलेशनशिप या ह्यूमन साइकोलॉजी में इतना नहीं आइडिया, देन आई वुड से मैरी समवन हु हैजन्ट हैड एक्सपीरियंस, योर मैरिज विल लास्ट लॉन्ग। दिस वीडियो माइट बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट हु केयर्स, ऑल आई एम सेइंग इज आई एम रियली ट्राइंग टू लुक आउट फॉर यू गाइस एंड गर्ल्स। मैं लड़कियों के लिए भी एडवाइस, मैं देखो लड़कियों के भी लिए अच्छी एडवाइस दी है मैंने, मैंने सिर्फ लड़कों के हक में नहीं कहा, लेकिन मैं रियलिटी पे बोल रहा हूँ, हमें वेस्टर्न एजेंडा को खत्म करना पड़ेगा, somebody has to step up and say these things। मेरे माइंड में ना परफेक्ट मैरिज सिनेरियो है दोनों के कोई एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन इस जमाने में, इस इंस्टाग्राम के जमाने में, कॉन्स्टेंट वैलिडेशन के जमाने में, हर वक्त मतलब औरतों को मर्द अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है, आई वुड से मर्द को समवट एक्सपीरियंस चाहिए। नाउ इट डजंट हैव टू बी डेटिंग एक्सपीरियंस, बट एटलीस्ट ही नीड्स टू नो हाउ टू टॉक to a woman, how to treat a woman right, compared to औरतों को कोई experience नहीं चाहिए मर्द के साथ, क्योंकि औरतों की purity मर्दों को अच्छी लगती है। Approach कौन करता है मुझे बताओ, दोनों sexes में एक दूसरे को, मर्द approach करते हैं, औरत approach करती है, गेम किसको चाहिए होती है फिर, मर्द को, औरत को नहीं चाहिए होती, औरत just needs to look pretty, nice, खानदानी लगे, मर्द खुद ही आ जाते हैं, सारे मर्द जो होते हैं ना वो खुद ही फ्लॉक करते हैं, बिकॉज यू गाइज आर हायर इन वैल्यू व्हेन यू आर बॉर्न। कहने का मतलब ये है कि जो गेम और ये जो सारी होती है ना, हाउ टू टॉक टू अ वुमन राइट, मैस्कुलिनिटी वाली, ये मर्दों को जरूरत है सीखने के लिए। बिफोर यू मैरी जस्ट हैव समवट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू वुमेन, जस्ट बी गुड टॉकिंग टू वुमेन, डोंट बी ऑकवर्ड, डोंट बी वियर्ड, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस, वुमेन विल से हमें शरीफ ऐसा लड़का चाहिए जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन दे ऑलवेज गो आफ्टर द वन विद एक्सपीरियंस हु इज अ बैड बॉय हु नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ वुमेन मेंटली एंड फिजिकली। ऑल्सो मैन, वी मैन लुक फॉर ब्यूटी इन द कंपेनियन, सो औरतों के लिए मैं कह रहा हूँ नंबर वन इज ब्यूटी, वी ऑल लुक फॉर ब्यूटी एंड देन एजुकेशन, घर को संभाले, कुकिंग, सो Just putting it out there. मैं रियलिटी बोलता हूँ, कॉन्टेंट को रॉ रखता हूँ, बहुत से लोगों को बातें दिल में चुभ रही होंगी ये, लेकिन अल्टीमेटली मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। बॉयज एंड गर्ल्स ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, विल सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।